की बात करते हैं तो पाकिस्तान की निस्फ आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है, और जब पर कैपिटा इनकम की बात होती है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती है और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करने की बात होती है तो खवातीन का जो रोल है वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और आज इन्हीं इश्यूज पर, इन्हीं टॉपिक्स पर बात करने के लिए बीट स्पेशल की मेहमान है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री लाहौर की सदर फायजा अमजद, हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो। और आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाली खवातीन है किस तरह से पाकिस्तान की तरक्की में अपनी जिंदगी की बेहतरी में किरदार अदा कर सकती हैं। तो सबसे पहले बताइएगा, आप खुद भी एक कामयाब बिजनेस वुमन है, आपने किस तरह से स्टार्ट किया था? अस्सलाम वालेकुम रुबा, बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का न्यू टीवी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं बताना चाहूंगी कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। मैं बिल्कुल एक हाउसवाइफ और एक बिल्कुल बच्चों को पालने वाली एक नॉर्मल सी औरत थी, और मेरा कारोबार के आने की तरफ कभी भी रुझान नहीं था, लेकिन हालात और वाकयात इस तरफ आपको ले आते जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं और आपके पास करने को कुछ ना हो, तो मुझे लगता है कि अपने आप को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपनी सबसे पहले प्रायोरिटी आपके घर, आपकी औलाद और आपकी आपका खानदान है, लेकिन एक वक्त आता है कि आपको फील होता है कि आप बिल्कुल बेकार हैं। तो इस बेकारी और इस नकारापन से बचने के लिए मुझे लगता है कि अपनी सलाहियतों को नई तरफ लेके आना चाहिए और औरतों को कारोबार के मैदान में आना चाहिए। तो यही सोच के जब मैं इस तरफ आई तो लकीली मेरी अम्मी शुरू से बिजनेस कर रही थी बुटीक का, तो सबसे पहले स्टार्टअप मैंने बुटीक से ही लिया। तो अल्लाह की मेहरबानी से जो काम था उसको मैंने डबल किया, ट्रिपल किया, यानी कि मीडिया की तरफ भी आए, हमने फैशन शोज किए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को बीट किया, लंदन गए, अमेरिका गए, वहां पे भी अपना नाम बनवाया। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते ग्रेजुअली मेरा ध्यान ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरफ गया, होम्योपैथिक की मैं डॉक्टर हूँ। तो मैंने सोचा कि हम लोग इस तरह भी खिदमत कर सकते हैं कि लोगों की जो स्किन की प्रॉब्लम्स हैं या जो खूबसूरती से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स निकाली, कुछ बच्चों की मैंने प्रोडक्ट्स निकाली, इस तरफ आई। फिर मैं, मुझे पाकिस्तान की पहली खातून डिस्ट्रीब्यूटर होने का एजाज हासिल है। मैं एक इंटरनेशनल कोका कोला बेवरेज कंपनी है तो उसकी ऑल प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूटर हूँ ऑल लाहौर में। आपकी बहुत सी अचीवमेंट्स हैं और यकीनन हम साथ साथ उस पर बात भी करते रहेंगे, लेकिन जो हमारे ऑडियंस हैं खवातीन खासतौर पर हमें देख रही हैं, उनको बताएं अपना बिजनेस आइडिया किस तरह से, किस प्लेटफॉर्म पर पिंच करना है, क्योंकि आइडियाज आई थिंक इतना टैलेंट मौजूद है हमारी पाकिस्तानी खवातीन में कि हर एक के पास कुछ ना कुछ आइडिया होता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो। तो आप ये बताएं कि एक आइडिया हमारे पास है, हम अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? रुबा, इस तरफ आने का जो चैम्बर को ज्वाइन करने का मकसद ये था कि मुझे बहुत सारे लोग पूछते थे लेकिन मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि मैं किस तरह उनको आगे लेके आऊं। तो अल्लाह ने मुझे ये चैम्बर का प्रेसिडेंट, वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर का प्रेसिडेंट बनाया है। इस प्लेटफॉर्म पे बेतहाशा आइडियाज हैं, आप लोग अपने आइडियाज लेके हमारे पास आए, हम उसको रिफाइन करेंगे, उसको उसकी नोक पलक दुरुस्त करके। बाज़ुकात आइडिया बहुत अच्छा होता है लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि किस रुख को बैठना है, लोगों को यही नहीं पता कि एंटीएन कैसे बनाना है, कैसे टैक्स पेयर बनना है। तो मैं समझती हूँ कि आपको सीधी राह इख्तियार करनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट चले तो लाइन में बारी आ जाती है, शॉर्टकट्स ना मारें। आप अपने आइडियाज लेके आए, हम आपको बताएंगे कि उसको किस रुख को लेके जाना है, उसको दुरुस्त सिंह में, देखिए जो चीजें ऑलरेडी मार्केट में और आप उसको दोबारा लेके आएंगे। बहुत सारे लोग बुटीक कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पार्लर कर रहे हैं, अब इसके अलावा भी आइडियाज हैं, बहुत आइडियाज हैं। आप लोगों को घरेलू घर में डे केयर सेंटर्स बनाने की जरूरत है, इस वक्त जरूरत है कि लोग घर बैठे औरतें जो नहीं निकल सकती, जिनके हस्बैंड अलाउड नहीं करते कि वो घर से बाहर निकल के काम करें, वो घर बैठ के इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे काम कर सकती है। हमारे पास आए, हम उनको बताएंगे कि वो किस तरह चल सकती है। लेकिन मैं बार बार एक ही बात करती हूँ कि जिसमें जज्बा नहीं है काम करने का, सिर्फ काम करने की सेक में मत आए, आपने जज्बे के साथ कुछ कर दिखाने का हौसला होना चाहिए, फिर ही काम कामयाब हो सकता है। वरना बहुत सारे लोग फिर रहे हैं जो कि बुरा आम काम कर रहे हैं, चाहे आप मोची बन जाएं लेकिन बेहतरीन किस्म का बने। ये जो बड़े बड़े शूज की कंपनीज है ये क्या कर रहे हैं, जो हम लोग है बुटीक चला रहे हैं, ये समझे दर्जी खाने की ही रिफाइंड शक्ल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कंबाइन जो है वो एक बहुत से आइडियाज होते हैं, और अमूमन ये समझा जाता है कि खवातीन सिर्फ या तो बुटीक बना सकती है या तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम कर सकती है। अच्छा, दो कैटेगरीज है, एक होती है जो थोड़ी सी लिटरेट खवातीन है जिनके पास कोई डिग्री है, कोई तालीम मौजूद है, और वो खवातीन भी जो होम बेस्ड वर्कर, ना तो उनको घर से बाहर निकलने की परमिशन होती है और
ना ही वो जो है उनके पास कोई रिसोर्सेज होते हैं और ना ही उनके पास पढ़ाई होती है। फिर उन खवातीन के लिए भी आप बताएं कि वुमेन चैम्बर अब आपने एज अ प्रेसिडेंट जो है वो संभाला है, तो क्या कोई नए आइडियाज मुतारिफ कराए जाएंगे, कुछ सरमायाकारी की ऑप्शंस दी जाएंगी, क्योंकि बहुत सी खवातीन करना चाहती है प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। देखिए इनको कहते हैं SME, तीन चार किस्म के बिजनेसमैन है। लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि SME क्या होता है। मैं बड़े अफसोस से है, इसका मतलब है स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, वो लोग जो कि एक छोटे लेवल पे लेडीज काम कर रही हैं। इसके बाद माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स आती हैं जो कि बिल्कुल छोटे लेवल पे, जो हमारे देहातों में और जो इस तरफ में, आपके चैनल के तरफ से इनको बताना चाहती हूँ कि वो किस लेवल पे जा रही हैं। देखिए कुछ अगर इन्वेस्टमेंट करती हैं तो वो थोड़ा सा SMEs में आ सकती हैं थोड़ी बहुत, और जो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रही तो वो माइक्रो में चली जाएंगी। अब उनका माइक्रो का काम है कि वो SMEs के साथ रब्ता करें। अब जो औरतें घर में ये छोटे मोटे दस्तकारी की चीजें बनाती हैं, वो उनसे रापता करती, फिर वो हमारे साथ करते हैं। हम माइक्रो के लिए काम कर सकते हैं पर वो एक बिल्कुल डिफरेंट पैनल के ऊपर होगा, वो आपको पता है उसके प्रोजेक्ट्स डिफरेंट नाम से होते हैं। अच्छा, अब जो औरतें घर में बैठ के काम करना चाहती हैं उनको एक दफा आना तो पड़ेगा हमारे चैम्बर में, मेंबरशिप भी लेनी पड़ेगी तभी हम उनके लिए कोई काम कर सकेंगे। अब वो हमारे पास आती हैं, अगर कोई जिसके पास पैसा भी नहीं है, आइडिया भी नहीं है, तब भी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उनमें जज्बा फिर भी होना चाहिए। कुछ करने का जज्बा होगा तो ही, मतलब आप किसी पत्थर पे तो काम नहीं कर सकते। अच्छा, वुमेन चैम्बर के बारे में लोगों को इतना पता भी नहीं है, बिल्कुल नहीं पता कि इसकी मेंबरशिप का क्या तरीकेकार है, आप कैसे अप्रोच किया जा सकता है। अच्छा, वुमेन चैम्बर सदीक ट्रेड सेंटर के साथ हमारा एक छोटा सा ऑफिस है, हम लोगों ने बहुत छोटे लेवल पे काम शुरू किया है। जो बाकी चैम्बर है वो तो पाकिस्तान बनने से स्टार्ट हुए हैं, तो हमें जरूरत महसूस हुई कि वुमेन के लिए, खवातीन के लिए एक अलहदा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी का ना हो, जहाँ पे कोई आदमी उनको ओवरशेडो ना कर जाए। तो ये हम लोगों ने एक अलहदा से ऑफिस बनाया है सिद्दीक ट्रेड सेंटर के साथ, हमारा ऑफिस है, आप वेब बिल्कुल लाहौर बेस है, आप वेबसाइट पे उसको चेक कर सकती हैं WCCI लाहौर के नाम से, और आप हमारे पास आए, अपना नाम, आपका CNIC, जो आपका शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी, एक पिक्चर हो और बिजनेस का काम हो, तो हम आपको बिल्कुल बिल्कुल मिनिमम पैसों के साथ लाइफ टाइम मेंबरशिप देंगे, जो कि उससे भी मिनिमम पैसों से, यानी कि ना होने के बराबर आपको हर साल रिन्यूअल फीस होगी। आपको हम लोग ग्रुप्स में ऐड करेंगे, आपको हर हफ्ते जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आती हैं उसके मैसेज आते हैं, हम लोग आप लोगों तक कन्वे करते हैं, जो चीज़ आपके मुताबिक होती है आप उसके बारे में हमारे ऑफिस में रब्ता करके आगे चल सकते हैं। जो आपके काम की नहीं आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आप मेंबर तो बने, आप अंदर आए, आप हमारे ऑफिस के हमारे काम को जाने, और आपको मौके जब फराहम किए जाएंगे तो खुद ब खुद दिमाग चलेगा। जब आप लोग उस लाइन में ही नहीं आ रहे जहां पर काम के मौके हैं, तो आपको घर बैठे कोई भी प्लेट में रख के नहीं लाएगा जॉब या बिजनेस, थोड़ी सी एफर्ट करना होगी और एटलीस्ट रब्ता किया जाए। बिल्कुल, हम लोगों ने इवन इतनी बड़ी हमारी माशाल्लाह एक हम लोगों के पास चांस आया है, नेफटेक के साथ मिलके हमने जॉब रिप्लेसमेंट सेंटर बनाया है। जो खवातीन बिजनेस नहीं कर सकती हमने उनके लिए ये भी मौका फ्राहम किया है कि वो अपने CV हम तक फ्राहम करें, हमें दें, हम उनको लाहौर की मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर लगवाएंगे। यानी देखिए कि कितना काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम तक पहुँचना आपका काम है, उसके बाद आगे हमारा काम। अच्छा, आप तक पहुँचना जो है वो यकीनन काम है। अच्छा, ये बताएं कि वुमेन चैम्बर जो है वो खवातीन एंटरप्रेन्योर जो कि अपने छोटे मोटे कारोबार कर रहे हैं उनको सहूलियत क्या क्या दे रहे हैं। जो छोटे मोटे कारोबार कर रहे हैं, सबसे पहले हम एग्जीबिशंस करते हैं, बहुत मिनिमम प्राइसेस के ऊपर उनको स्टॉल्स दिए जाते हैं। जो हमारी मेंबर्स होती हैं उनके लिए उससे भी मिनिमम किया जाता है, इसमें गवर्नमेंट हमारा साथ देती है। TDAP के जरिए जो एक्सपोर्टर्स करना चाहती हैं, जो खवातीन एक्सपोर्ट में जाना चाहती हैं, उनके लिए इतने ज़्यादा चांसेस हैं और इतना लो मार्कअप और लो चीज़ें। इवन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको लोन्स भी दिलवा सकें। अभी हमारे साथ ऐसे भी लोग हैं जो कि कर्जे हसना के तौर पर लोगों को कारोबार करा के देना चाहते हैं, उसके लिए कुछ राय तो जवाबत हैं जो कि हम अगर आप पूरे करते हैं, इतने टफ नहीं है कि कोई कर ना सके, लेकिन ऐसे हैं, ज़ाहिर है हमें गारंटी चाहिए होगी कि कोई
लेके भाग भी ना जाए, तो ऐसे शरायत और जवाबित कर्जे हसना के तौर पे भी हम लोग स्टार्टअप करा सकते हैं। यानी कि आप एंटरप्रेन्योर्स और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी पैचअप और उनको भी एग्जैक्टली बिल्कुल हम लोग करेंगे, जिसकी गारंटी हमें दोनों तरफ को देनी होगी। तो कुछ शरायत है जिनको आप लोग फॉलो करें तो इंशाल्लाह वो आपको चलाया जाए। आप एक कामयाब बिजनेस वुमन समझ जाती है सोसाइटी में, आप चैम्बर के प्रेसिडेंट भी हैं, ये बताइएगा कि आप किसको आइडियल समझती हैं, कौन ऐसा बिजनेस वुमन या बिजनेस मैन है जिसको आइडियल बना के जो नए लोग हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं? आइडियल तो बेतहाशा है, अगर हम स्टार्ट हज़रत खदीजा से लें तो वो भी एक बहुत ज़बरदस्त बिजनेस वुमेन थी और हमारे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा थी। तो आप देखें कि मिसालें तो हमारे पास 1400 साल से, तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि इस्लाम में अलाउड नहीं है ख़वातीन को। आप इवन सोचें कि मैंने जो ये हमारे इस्लामिक सेंटर अल नूर अल हुदा और इन लोगों के साथ रब्ता करके मैं ऐसे सेमिनार्स करा रही हूँ कि मुसलमान ख़वातीन इस्लाम के दायरे में रह के कैसे बिजनेस कर सकती हैं और हलाल और हराम से कैसे बचा जा सकता है। हम लोग तो आपको इतने मौके दे रहे हैं, अब आप अपने इर्द गिर्द देखें, देखिए जो लोग इसमें बिजनेस में आ रहे हैं वो कपड़ों में आ रहे हैं, तो वो कपड़ों से रिलेटेड ख्वातीन को आइडियल बनाएंगी। जो बुटीक बिजनेस ब्यूटी पार्लर में आ रही है वो ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड बनाएंगी। अब तो औरतें रियल स्टेट में आ रही हैं, यानी कि वो ये प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त कर रही हैं, घर बैठे वो ऐसे काम कर रही हैं। बहुत काम है, बस आप आए और हमारे साथ हाथ में लाएं तो इंशाल्लाह आगे चला जा सकता है, बहुत बेहतर हो सकता है। चलें खैर, ये बताइएगा कि बिजनेस के हवाले से हम बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप पे बात हो रही है, ख्वातीन बहुत कुछ करना चाहती हैं, हमारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ कोई आप लोगों की कोलैबोरेशन है? क्योंकि जब डिग्री मिलती है तो डिग्री मिलके आप देखें कि हमारी 50% जो फीमेल्स हैं वो तो घर ही बैठती हैं, शादी करवा दी अब घर बैठ जाएं जी, अब कुछ नहीं करना, क्या जरूरत है काम करने की। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, तो कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई डिग्री के हवाले से कोई कोलैबोरेशन हुई है कि वहां से ही उनको बताना, उनको सिखाना शुरू कर दिया जाए कि भैया आप जॉब के लिए अगर नहीं मिलती तो घर नहीं बैठे बल्कि अपना कोई काम शुरू करें? बिल्कुल है, अभी हम लोगों का वुमेन एज ए वुमेन चैम्बर लाहौर के सारे इंस्टीट्यूट के साथ हमारे एमओयू साइन हुए, उनके जो बच्चे निकल रहे हैं, इवन जो उनकी भी एग्जीबिशंस होते हैं, उनके फन फेयर्स होते हैं। एक मैं थोड़ी सी अपनी मिसाल दूंगी कि मैं कॉलेज से ही हूँ, इकोनॉमिक्स कॉलेज से ही स्टॉल्स लगाती थी। अच्छा, बेशक हमें ज़रूरत नहीं थी पर मुझे शौक था, ये आपके बिजनेस माइंडेड होने का इशारा है। जो बच्चे कल को ये काम करना चाहते हैं, तो आप देखें जो बच्चे फन फेयर्स में स्टॉल्स लगा रहे हैं वो कॉलेज वाले आपको बिजनेस ही सिखा रहे हैं ना कि आपने बिजनेस कैसे करना है। इब्तिदा कॉलेज से होती है, स्कूलिंग में तो आप बिल्कुल इमेच्योर हो लेकिन कॉलेज से इब्तिदा हो जाती है। तो हमारे इंस्टीट्यूट्स का बहुत अच्छा है, मतलब प्लेटफॉर्म है कि वो बच्चों को शुरू से ही तैयार करना शुरू करें कि वो लोग आगे आए, फन फेयर्स में अपने स्टॉल्स लगाएं। अब हम लोगों के साथ जब ये रابطہ करते हैं फिर हम लोग उनकी राह बताते हैं, उनको बताते हैं कि क्वालिटी जरा बेहतर करें, अपने स्टैंडर्ड्स को अच्छा करें, मार्केट को मीट करें। आप यकीन करें जब मैं कॉलेजेस में जाती हूँ, यूनिवर्सिटीज में, मैं हैरान हो जाती हूँ कि बच्चों के पास इतने डिफरेंट आइडियाज हैं कि अगर उनको थोड़ा सा ठीक किया जाए और उनपे थोड़ा सा इन्वेस्ट किया जाए, टेक्निकल सपोर्ट फ्राम की जाए। हम यहाँ से दोबारा शुरू करेंगे, इस वक्त हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद फौरन आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। 100 फीमेल एंटरप्रेन्योर्स इस साल हम लोगों ने जनरेट करनी है, तो ये काफी बड़ा फिगर है जिसको करने के लिए मैं बहुत पुरअज़्म हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग आगे आए और हमारे साथ इसमें सपोर्ट करें। चलिए, लेट्स सी, होप सो कि आप इसको अचीव भी कर पाए। ये बताइएगा कि जो कुछ बिजनेस टर्म्स हैं, जैसे अगर हम लोगों का कोई एंटरप्रेन्योरशिप से ताल्लुक नहीं है, जब नए स्टूडेंट्स आए तो उनकी आसानी के लिए कोई वर्कशॉप्स करवाए जाएं, कुछ सेमिनार्स करवाए जाएं जहाँ पे उनको छोटी छोटी टर्म्स बता दी जाएं, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है कई लोगों को नहीं पता, टैक्स किस तरह से देना है और बहुत सी चीजें हैं जो कि टेक्निकल टर्म्स हैं। रुबा, ये सब कुछ हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं लेकिन ये हम अपने मेंबर्स के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे साथ मेंबर हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, 80% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम लोग सेमिनार्स देते हैं, आपको जो नई टेक्निक्स आ रही हैं, जो इवन टैक्स के बारे में, इवन इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट को कैसे यूज किया जाए, कैसे अपने लिए कारामद बनाया जाए, ई कॉमर्स के बारे में, ये सब कुछ
हम लोग बकायदा आसान अल्फाज में, यानी ये भी नहीं कि इंग्लिश में, क्योंकि मैं महसूस करती हूँ कि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद ये जो इतनी मुश्किल टर्म्स हैं उनको नहीं समझते, ये टेक्निकल टर्म्स हैं, लोगों को नहीं पता ई कॉमर्स क्या है, लोगों को एसएमईज का नहीं पता, लोग नहीं जानते कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। तो एक आसान अल्फाज में मैं बताना चाहूंगी कि जो खवातीन काम स्टार्ट करना चाहती हैं और जो कर चुकी हैं और जो बिल्कुल छोटे लेवल पे काम कर रही हैं, वो हमारी मेंबर जब बनती हैं तो उनको हम लोग एक ग्रुप बनाया जाता है जिसके अंदर हम लोग हर आने वाले नए नई बातों के बारे में एज ए मैसेज उन तक पहुँचाया जाता है। जो उनके काम की बातें होती हैं वो उसकी डिटेल हमसे पूछ सकती हैं और जो उनकी काम की बातें नहीं वो इग्नोर कर सकती हैं। यानी कई दफ़ा लोग समझते हैं कि हम लोग अगर इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन गए तो हमें तो हर वक्त जरूरी हो जाएगा ये काम करना, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके मकसद की चीजें होंगी आप उन्हीं के बारे में हमसे पूछेंगी, बाकी चीजें आप इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास कोई मॉडल्स मौजूद हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स वुमेन चैम्बर के प्लेटफॉर्म से तैयार हुई हुई खवातीन हो और फिर उनको देख के उनको एज अ मॉडल पेश किया जाए? बिल्कुल, हम करते हैं। बेशुमार मॉडल्स हैं जो हम टॉप 10 न्यू बिजनेस आइडियाज देते हैं, उसमें हम अपने मॉडल्स की स्पीचेज आपको दिखाते हैं कि उन्होंने कैसे छोटे सी चीज से कारोबार शुरू किया और वो कहाँ पहुंच गए। हमारे पास इंटरनेट के रिलेटेड आप ही बनाए तो आप अपने इलाके से काम शुरू कर सकते हैं। ये स्टिचिंग का काम भी इतना बड़ा काम है, जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ी बुटीक ही बनाए तो आप लोग काम शुरू करेंगे। आप घर में दो टेलर्स बिठा के, लेकिन नेक नियति के साथ, कुछ कर दिखाने की नियत के साथ कि आपने अगले को मुतमिन करना। अगर आपका क्लाइंट मुतमिन नहीं है, कोई बंदा आपके पास एक दफा आएगा, दूसरी दफा अगर आपने उसको सेटिस्फाई नहीं किया तो वो नहीं आएगा। तो मैं समझती हूँ कि अगर आप पैशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब चीजों से बढ़ के अपना जज्बा दिखाएं। देखिए जज्बा किस में होता है, अगर आपको नजर आ रहा है कि आपके बच्चों की फीस जानी है, आपने अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना है, आपने अपने घर के खर्चे पूरे करने, वो औरतें काम कर सकती है। लेकिन जो सिर्फ एक सोसाइटी में हेलो हाई के लिए जा रही है तो मुझे नहीं लगता वो लोग काम कर सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि बिजनेस की भी कैटेगरीज होती है, एक खातून पढ़ी लिखी है, उसके पास डिग्री भी है, उसके पास इन्वेस्टमेंट भी है, वो तो बहुत अच्छा काम कर सकती है और वो इतनी मेहनत शायद ना भी करे तो बहुत बेहतर जो है वो प्लेटफॉर्म उसको मिल सकता है। लेकिन कुछ ऐसी भी खवातीन है बहुत ज्यादा जरूरतमंद भी होती है, फिर उनके पास जो है वो ना खानदा है, पढ़ाई भी नहीं है, उनके पास तालीम नहीं है, और शायद वो कुछ ऐसी भी खवातीन जो बिल्कुल शायद अपना नाम भी ना लिख सकती हैं, उनके लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं बिल्कुल स्मॉल लेवल। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगी कि एक स्टोर है, स्टोर में बेतहाशा हजारहा चीजें हैं, लेकिन वो खुद ब खुद तो नहीं आई, वो सब स्टोर कीपर ने कुछ प्रोड्यूस नहीं की है। एक सब्जी वाला भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना के लिए एक जितना एक कार बनाने वाला है या जितना एक इंडस्ट्रियलिस्ट। आप देखें, हम अगर सब्जी वाला, अगर हमारा फार्मर, हमारा किसान सब्जी तैयार नहीं करेगा तो ये हमारा खाना नहीं पक सकता। अगर ये जो हम लोगों के लिए बकरियां, गाय, भैंसे और जो मुर्गियां तैयार करते हैं ये नहीं करेंगे, कितने छोटे लेवल के लोग हैं, लेकिन हमारे लिए कितने जरूरी है। ये सब लोग हमारे लिए जरूरी है, ये हमारे तक दूध नहीं आ सकता, ये स्टोर्स नाकाम हो जाएंगे अगर ये सब छोटे लोग नहीं होंगे। हमें छोटे लोगों की भी उतनी ही जरूरत है जितने बड़े लोगों की, इवन हमें छोटे लोग ज्यादा चाहिए, लेकिन इनकी दयानतदारी और इनकी ईमानदारी। अब दूध वाले अगर पानी मिला के देंगे तो हम लोग ऑटोमेटिकली इनसे हट जाएंगे, लेकिन कितनी अच्छी बात है कि अब औरतों ने घर में ऑर्गेनिक दूध का, ऑर्गेनिक अंडो, ऑर्गेनिक मुर्गी का काम शुरू कर दिया। अब लोगों के लिए आसान अल्फाज में ऑर्गेनिक वो चीज है जो कि साफ सुथरी खाद के साथ तैयार की जाती है, जिसके अंदर केमिकल्स और मेडिसिन नहीं इस्तेमाल की जाती। तो कितनी छोटी सी बात है, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को बहुत बड़ा ग्रो करते देखा है। तो आप अपने आप को छोटा मत समझे, कोई भी काम छोटा नहीं है, असल में सोच छोटी और बड़ी है। तो आप छोटे हैं या बड़े हैं, आप आए और हमारे से मशवरा करें और हम आपको आगे लेके चलेंगे। टेक्निकल सपोर्ट भी आप लोग के पास एक्सपर्ट है? बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए गवर्नमेंट का बहुत अच्छा हाथ है, ये अभी जो नेफटेक है, टेफ्टा है, अब लोगों को इनका नाम भी नहीं पता, ये हमारे थ्रू जानेंगे। अब आप प्लम्बर बनना चाहते हैं, कितनी छोटी सी चीज है, लेकिन अगर आप बेहतरीन प्लम्बर हो और आपके पास सर्टिफिकेट हो गवर्नमेंट का, तो आपको हाथों हाथ लिया जाएगा। आप एम्ब्रॉयडरी मशीन चलाना जानते हो और आपके पास सर्टिफिकेट हो, हम आपको लेके जाएंगे, हम आपको बताएंगे कि आपने कहाँ जाना है। और इसमें औरतें हो या आदमी हो, दोनों के लिए सहूलियात हुकूमत ने दी है, लेकिन उन तक पहुंच नहीं पा रही है। उन तक पहुंचने के लिए क्या जरूरी है, आप हमारी वेबसाइट देखें और आए हम तक। अच्छा, हमारी कुछ ऑडियंस को थोड़ा सा सिंपल अल्फाज में एक मरतबा से फिर से बता दें कि चैम्बर एक प्लेटफॉर्म है खवातीन के लिए, क्योंकि बहुत सी खवातीन अभी ऐसी हैं जो नहीं जानती। तो
कौन सी कौन कौन से प्लेटफॉर्म से? एक तो इंटरनेट हर कोई नहीं चलाना जानता, जो इंटरनेट नहीं चलाना जानता वो आप लोगों को कैसे अप्रोच कर सकते हैं? आप लोग कोई अपनी कैंपेन चला रहे हैं, कोई आप लोग जाके घर घर कहीं विजिट करते हैं, कहीं लोगों में जाके आप लोग अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, कोई तरीकेकार और है? रुबा, हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मसला सिर्फ यहाँ पे है कि गवर्नमेंट का उतना हमारे साथ साथ नहीं है, क्योंकि हम बहुत छोटे छोटे अपने तौर पे हमने ये काम शुरू किया। आप जानती भी नहीं कि हमें कितने मसाइल दरपेश हैं, लेकिन हमारे पास एक अजम है, क्योंकि ये भी एक तरह से सदका जारिया है कि अगर कोई लोग काम करें हमारी वजह से और वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए तो हम समझते हैं कि हमारी जिंदगी का आधा मकसद पूरा हो गया। तो हम बहुत काम खुद से कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए शायद घर घर जाना मुश्किल हो जाए, तो गवर्नमेंट हमारे साथ में चले, जो एडवर्टाइजमेंट वाले लोग हैं वो हमारे साथ हैं। मेरी एक बहुत दरख्वास्त है कि सपोर्ट सिस्टम को अपनाया जाए, हम सब एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। हमारी एक मसला ये है कि हमारे ये खानदान में कोई लोग अगर काम शुरू करते हैं या हमारे दोस्त करते हैं तो हम लोग उनको बड़ी क्रिटिकली देखते हैं और कहते हैं ये नहीं कर पाएगा और उसको तनकीदी नजर से देखा जाता है, और गैरों के साथ आपको काम मिल जाता है अपने काम नहीं देते, कितनी बुरी बात है। मैं समझती हूँ कि अगर अपने हाथ बढ़ाएं और एक दूसरे को सपोर्ट करें, अपने जब काम देने आते हैं तो वो कहते हैं कि कोई कंसेशन होगी, कोई सस्ता काम हो जाएगा, हम उनसे सस्ता एक्सपेक्ट करते हैं, फ्री प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, जबकि देखा जाए तो उनको तो आपकी ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, उनको तो आपको ज्यादा देने की जरूरत है। आप मार्केट में ब्रांडेड बंदों को ज्यादा देकर आ जाते हैं कि ब्रांडेड चीज खरीदिए, और अपनों को थोड़े से पैसे भी ज्यादा नहीं देना चाहते। तो इसमें एक दूसरे को सपोर्ट करें। अब हम आपके अपने हैं, हम वुमेन चैम्बर लेके बैठे हुए हैं, अगर आप एक दूसरे को अपने फ्रेंड्स को बताएं और मिलजुल के हमारे पास आए तो वर्ड ऑफ माउथ से भी बहुत बात बढ़ सकती है। लेकिन लोग अपने तय रखना चाहते हैं कि मैं बिजनेस कर लूं, दूसरा किसी को बताना भी नहीं आईडिया, किसी को नहीं बताना, जबकि हमारे हदीसे हैं, हमारे पास कितने अकवाल हैं कि जो चीज बांटोगे वही चीज दोबारा वापस पलट के ज्यादा होकर आएगी, चाहे खुशी गम कारोबार मोहब्बत पैसा। तो बांटे, एक दूसरे को आइडियाज भी बांटे, एक दूसरे के साथ शेयर करें और हम तक आए, मिलजुल कर आए, तो देखिए जिसके जो नसीब है वो उसके हाथ में आएगा। अच्छा, एक टर्म है माइक्रो फाइनेंस, आपने बल्कि थोड़ा सा, मैं चाह रही हूँ कि आप एक्सप्लेन करें, क्योंकि आप एक बिजनेस वुमन है, कि किस तरह से चंद दोस्त या चंद अगर बहन भाई भी मिलके या कजन मिलके एक छोटे छोटा सरमायाकारी करके एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस तरह के बहुत से कामयाब हमारे पास एग्जाम्पल है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया जाएगा ये कैसे पॉसिबल है? मैं माइक्रो फाइनेंस से मुराद है कि बिल्कुल माइक्रो का मतलब बहुत छोटा और फाइनेंस पैसा, तो जिनके पास बहुत थोड़ा पैसा है या जिनके पास पावर है, जिन जो लोग समझते हैं कि हमारे इर्द गिर्द गरीबों की आबादी है, उनमें से कोई एक बड़ा बनाए। देखिए, लीडर के बगैर कुछ भी नहीं है, सब लीडर नहीं हो सकते, किसी भी जगह पे एक लीडर एक होता है, तो किसी एक को लीडर माना जाए, वो हम तक आए, हमसे बात करे, वो अपने, अब आप इवन देखें कि मैं नाम भी लूं, हमारी फ्रेंड है डोर ऑफ अवेयरनेस के नाम से, वो झुग्गियों में गई और उन्होंने एक किताब से झुग्गियों में जाके पढ़ाना शुरू किया, और अब माशाल्लाह कई 100 स्कूल वो चला रही है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चला रही है। आप देखें कि क्या जज्बा था उनके अंदर, कुछ एक रुपया भी उनके पास नहीं था, लेकिन उनके साथ लोग मिलते गए और वो काफला बनता गया, मिलते गए लोग और काफला बनता गया। इसको जरा हम मजीद बात करेंगे, फिर एक ब्रेक का वक्त हुआ हमारे साथ ही है। लाहौर की खबरें, लाहौर के रंग, पर वक्त बराह रास्त और गैर जानेदार रिपोर्टिंग के साथ, बात शोबिज की हो या खेल की, सूरत हाल ट्रैफिक की हो या बात सियासत की, खबर मौसम की हो या एंटरटेनमेंट की, जायके पकवानों के हो या शोर एवानों के, हम बताएंगे, हम दिखाएंगे लाहौर की सारी बातें एक नई सोच की उमंग के साथ, सिर्फ लाहौर रंग पर। आखिर मसाइल का हल एहतजाज ही क्यों? आखिर लाहौर में चल क्या रहा है? आखिर हुकूमत और हुक्मरानों का फर्ज क्या है और गफलत कहां हो रही है? महंगाई से परेशान आवाम और वसाइल का रोना क्यों रोते हैं ये हुक्मरान? आखिर
ویلکم بیک. آج بھی ان خواتین کے کاروبار کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کیونکہ خواتین جس معاشرے میں 50% ہیں ان کے کردار کو ہم جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے پاکستان کی ترقی میں. تو اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ وومن چیمبر آف کامرس کی پریزیڈنٹ موجود ہیں فائزہ. اچھا بات ہو رہی تھی خواتین کے رول کے حوالے سے. آپ خود ایک کامیاب بزنس وومن ہیں, ہم آپ کے بارے میں تھوڑا سا, آپ نے کس طرح سے اچیو کیا, کیا ٹارگیٹ سیٹ کیے تھے, کیا گول تھا آپ کے اچیو کر لیا, اس پہ بات کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کون سا تلخ ترین تجربہ تھا اور کون سا بہت بہترین تجربہ تھا جو کہ آپ ہمارے نئے جو انٹرپرینورز ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. ربا, میں یہ کہوں گی کہ میں اللہ کی طرف سے, اللہ کی اتنی میرے پہ مہربانیاں اور رحمتیں ہیں اور بہت توکل تھا میرا اللہ پہ. میرے ساتھ نا بہت خوش قسمتی رہی ہے ہمیشہ سے. اتنے تلخ تجربات شاید ہوئے بھی ہوں لیکن میں نے اس لیے فیل نہیں کیا کیونکہ میں نے کچھ کرنا تھا. بہت کچھ ہوتا ہے کس کی زندگی میں نہیں ہوتا, لیکن چونکہ میں نے کچھ کرنا تھا تو میں ان چیزوں کو اگنور کرتی رہی. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, آپ کا مقابلہ اپنے ہی ساتھ ہونا چاہیے. اپنے آپ کی کارکردگی سے زیادہ بہتر آپ نے کرنا چاہیے. اپنے آپ کو ہر وقت محسوس کریں کہ کہاں آپ سے غلطی ہوئی, اگلی دفعہ اس کو کور کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو جذبہ نہیں لوز کرنا چاہیے. اپنے آپ کو کبھی بھی ڈاؤن نہیں کریں. کئی دفعہ جو آپ چاہ رہے ہوتے ویسا نہیں ہوتا کیونکہ یہ دنیا ہے, ہر بندہ آپ کے مطابق نہیں چل سکتا. تیسری بات یہ کہ آپ کو مینجمنٹ آنی چاہیے. ٹائم مینجمنٹ اتنی ضروری ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ جہاں میں نے ٹائم مینجمنٹ میں غلطی کی. ربا, ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے. ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب بھی میں نے کام لکھنا چھوڑ دیا کہ مجھے کل کے لیے کیا کرنا ہے, ٹو ڈو لسٹ بنانا چھوڑ دی, ادھر میں مسئلے میں آ گئی. جو مرضی کام کر رہے تو اپنا آپ کو ٹارگیٹ ہونا چاہیے, اس کو آپ لکھ کے اپنے شیشے پر رکھ لیں یا جہاں آپ دیکھیں روز کا یا ایک ہفتے کا یا مہینے کا کہ ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. آپ سمپل فاز میں یہ کہنا چاہ رہے کہ وقت کی پابندی بہت ضروری ہے. وقت کی پابندی اور مینج کرنے کی صلاحیت کہ آپ نے کس وقت پہ کیا کام کرنا ہے. اب دیکھیں جب آپ نے کام شروع کیا تو سارا کچھ کر کے مجھے خیال ہے میں نے مارکیٹنگ تو کی نہیں, تو فائدہ تو کچھ نہیں نہ رہا, وہ میرا کام زیرو ہو گیا. اور جب کیونکہ لوگوں تک پہنچا ہی نہیں کہ میں کیا کر رہی ہوں, ساتھ ساتھ ہم نے یہ لوگوں تک پہنچانا ہے کہ ہم کچھ کرنے لگے ہیں. یعنی آپ نے گروپس بنا لیں یا کچھ کریں. جب آپ کام شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے بارے میں نو ہاؤ ہونی چاہیے کہ آپ کرنے کیا لگے ہیں. بعض اوقات ہم جم مار دیتے. میں نے خود بہت سارے ایسے کام کیے کہ جم مارنے کے بعد پتہ لگا کہ ہو یہ تو بڑا مشکل کام تھا, یہ تو میرے ٹائپ کا کام نہیں تھا, لیکن چلو اللہ کا ساتھ تھا. لیکن یہ ہر دفعہ نہیں ممکن ہے. ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اس کے بارے میں جانے کہ یہ کام وہ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں, یہ اس کا ہاتھ پڑتا ہے کہ نہیں, پھر اس کے بعد اس کام کو شروع کیا جائے. اور مینج کرنے کی صلاحیت کو اور اس بات کو دیکھے کہ اس کے ریسورسز, اس کے پاس ریسورسز, انویسٹمنٹ, ٹیم ورک اور آپ کی مارکیٹنگ اور پھر اس کے بعد کام کرنے کی صلاحیت, یہ چار چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ نے کہا ٹو ڈو لسٹ, ہم نے یعنی کہ اپنا کام ڈیلی روٹین میں کرنا ہے کہ کس ٹائم کیا کام کرنا ہے. دوسری چیز آپ نے کہا مارکیٹنگ بہت ضروری ہے کیونکہ مارکیٹنگ کے بغیر بالکل کچھ نہیں. آپ نے جو آڈینس ہے, ٹارگیٹ آڈینس, اتنے اتنے بڑے مگرمچھ بیٹھے اس میں, نیا کام کرنے والے کو کون کیسے جانے گا, چھپ جاتے ہیں. اس کے بعد مینجمنٹ اسکلز ہونی چاہیے. اور چوتھی چیز آپ نے, اور چوتھی چیز یہ کہ ایک رسک فائنینس اور ٹیم ورک, آپ کی ٹیم بڑی اسٹرانگ ہو, ایکسپرٹی بھی ہونی چاہیے. بالکل, اگر آپ کی ٹیم اسٹرانگ نہیں ہے, آپ کے ساتھ لوگ ایسے اسٹرانگ نہیں ہیں, تو بھی جو آپ کے ساتھ دیانتداری سے نہیں چل رہے تو بھی کام رہ جاتا ہے. کیونکہ آپ کی ٹیم میں ایک بھی گندی مچھلی ہوگی تو سارا تالاب گندا ہوگا. اسٹرانگ ٹیم ریکوائر ہے. میں بار بار کہوں گی جس کو ٹائم کی پابندی کا نہیں پتا اس کے لیے کام بہت مشکل ہے. جو لوگ صبح دیر سے اٹھتے ہیں ان کا کام بہت دیر سے چلتا ہے. ہاں کچھ لوگوں کی ہے مجبوری ہے کہ وہ دیر سے کام شروع ہوتا ہے رات دیر تک چلتا ہے, لیکن زیادہ تر کام ٹائم کے اوپر کرنے سے آسانی ہو جاتی ہے. اچھا, آئی نو مینی پیپل جنہوں نے چھوٹے چھوٹے اپنے کاروبار شروع کیے, کبھی ایک شروع کیا, کسی ایک فارم میں انویسٹمنٹ کر دی, پھر دوسری فارم میں کر دی, تو پھر آپ وہ بڑے مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم ہر دفعہ تو ناکام ہی ہو جاتے ہیں. تو کیا ضروری ہے کہ ایک مرتبہ ایک چیز میں انویسٹمنٹ کی, ایک مرتبہ ناکامی ہوئی تو دوبارہ بھی ناکامی ہو؟ نہیں, ضروری نہیں ہے. مستقل مزاجی بہت ضروری ہے. کام کاروبار کے لیے حوصلہ اور صبر بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ جو بھی کام شروع کرے, میں اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جمپ نہ مار دیں جس طرح میں نے کئی جگہوں پہ ماری ہے, کیونکہ آپ کو دیکھنا ہے کہ مارکیٹ میں اس کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں. ضروری نہیں کہ جو آپ کو لگ رہا ہے وہ سب کے لیے ہو. اب اگر آپ وہ کیا کہتے ہیں, آپ ویجیٹیرین ہیں یا آپ گوشت کھانے والے, تو یہ نہیں کہ جو مہمان آ رہے ہیں وہ بھی وہی کچھ کریں گے. آپ نے کسٹمر
कस्टमर को टारगेट करना है, आपके किस चीज की जरूरत है, फिर आप काम शुरू करें। अब जैसे वो सीएनजी का एक दफा दौर शुरू हुआ तो हर बंदे ने सीएनजी पंप लगा दिया, इतनी ज्यादा बहुतात हुई कि सीएनजी का काम भी ठप हो गया। ये एक मैं छोटी सी मिसाल दे रही हूँ कि मार्केट में उस चीज की जरूरत है भी कि नहीं, तब काम शुरू। मार्केट स्टडी कहते हैं, मार्केट स्टडी की जाए, देखा जाए। जब आप हमारे पास आएंगे हम आपको देंगे मशवरा कि नहीं ये काम जरूरी नहीं है। अब हर बंदा ही अगर ये काम लेके बुटीक का शुरू हो जाता है, 10 कपड़े बना के कहते हैं मैंने बुटीक बना ली, ऐसा नहीं है। आपका स्टैंडर्ड नहीं मीट कर रहा, आप इतने लोगों में कैसे जा रहे हो। हो सकता है मैं आपको मशवरा दूं कि आप दर्जी खाना बना लें, हो सकता है हम मशवरा दें कि आप डायर का काम शुरू कर दें, हो सकता है अगर आप कपड़े में ही जाना चाह रहे हैं तो आप खुला कपड़ा लेके लोगों तक लेके जाए। तो आप बुटीकों को टारगेट कर दें, आप बुटीकों के पास जाके अपनी चीज बेचें। यानी कि मशवरा मार्केट स्टडी करने के बाद कारोबार शुरू करें, खुद से कुछ ना करें, बिल्कुल ये गलत टाइम होगा। और टाइम देखा जाए, अब जैसे मुहर्रम था, मुहर्रम और सफर एक ये हमारा चूंकि एक मुसलमान मुल्क में रह रहे हैं, इसमें जो लोग कई लोगों को इतना वहम होता है कि वो इन महीनों में काम नहीं करते, तो कुछ लोग एग्जीबिशन लगाते हैं फिर कहते कोई भी नहीं आया, तो उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि ये सीजन नहीं था। फिर इस तरह जैसे अब सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में आपके जो ड्राई फ्रूट है ये चीजें बिकेंगी, अगर ये काम को मुझे गर्मियों में ला के दे तो लोग तो दूर भागेंगे। कुछ लोग मछली लेके आए कि हमने मछली का काम शुरू करना है, तो अगर वो गर्मी में भरी गर्मी में लाके या रोजों में लाके देंगे तो लोग तो हाथ भी नहीं लगाएंगे, कारोबार ठप हो जाएगा। फिजिकल एनवायरमेंट आपको स्टडी करना है कि हर तरफ से क्या चीज आपकी जो है रिक्वायर्ड है। अच्छा अब ये बताइएगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म आपने बता दिए। अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी कारोबार कर रहे हैं लेकिन उसको बढ़ाना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए भी कोई एक्सपर्टी कोई मशवरा आप लोग देते हैं, कोई साथ दो बिजनेस अगर दो आ जाते हैं उनको मर्ज कर देते हैं, इस तरह की भी कोई अपॉर्चुनिटीज है? बिल्कुल ऐसा है, जिन्होंने स्टार्ट किया हुआ है काम हम देखते हैं कि उनकी कमियां क्या है। सबसे पहले तो मैं कहती हूँ लिख लिया करें, अपने खुद आप लोग अपने बेहतरीन जज हैं, लिखें कि आपकी क्या कमी थी, आपको क्या प्रॉब्लम्स दरपेश हुई हैं, और उसके बाद वो जब आप हमारे पास आते हैं फिर हमें टाइम नहीं लगेगा ज्यादा, हम देखेंगे आया वो जेन्युइन प्रॉब्लम्स थी या आपकी अपनी प्रॉब्लम्स सेल्फ क्रिएटेड थी। बाजू का खवातीन बिल्कुल मेरे पास कुछ आई जो कि ज्वेलरी का काम कर रही थी और वो बिल्कुल 100 रुपीज वाली उनके पास ज्वेलरी थी, ठीक है, और वो लेकिन वो गलत मार्केट में बैठी हुई थी। तो जो है बायर आपने देखना है ना, आप एक बहुत बड़े एग्जीबिशन में तो वो उसकी उसका स्टैंडर्ड नहीं मीट कर रहे हैं, तो किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, हालांकि ये वो चीज है जो फटाफट लोग खरीद ले। तो मैंने फिर उसको बताया कि आप गलत जगह पे बैठे हुए हैं, आपका प्लेटफॉर्म गलत है, आपको सही जगह पे जाना चाहिए, आपको छोटे बाजारों में जाना चाहिए और ऐसी जगह पे जहाँ पे तलबा हो। अब आप जो स्टूडेंट है वो तो 100 रुपीज की चीज फौरन उठा लेगी, लेकिन जब आप बिजनेस वुमेन को जाके ये चीज देते हैं शायद वो ना इस चीज के ऊपर इतनी तवज्जो दे। तो आपको प्लेटफॉर्म देखना, आप आए लेकिन अपनी चीजें लिख कर लेके आए ताकि हमारा वक्त भी बचे और आपका भी। अच्छा प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी मैटर करती है, क्योंकि एक जो बिजनेस मैन है वो चाह रहा होता है कि उसकी सेल मैक्सिमम, क्वालिटी को अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। कई सालों के बाद मुझे समझ आई कि क्वालिटी भी डिपेंड करती है, लेकिन आप देखिए आपका कस्टमर कैसा है। अगर एक गरीब कस्टमर है वो 600 रुपए में सूट लेना चाह रहा है या 1000 रुपए में सूट लेना चाह रहा है, आपकी क्वालिटी है 6000 वाली तो उसके लिए तो बेकार है, क्योंकि उसकी आपने प्राइस भी तो मीट कर ली है ना। सर, आपको आपने उसकी कीमत के अंदर है, मैं आपको बार बार कहती हूँ आपने देखना आप किस तबके के अंदर मूव कर रहे हो। आपका 1000 का सूट भी बिक रहा है और यहाँ पे 10000 का लॉन का सूट भी बिक रहा है, तो आपने किस कैटेगरी को टारगेट करना है उस चीज को भी देखा जाएगा। स्टैंडर्ड मीट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी देखें आप किस कैटेगरी में जा रहे हैं। आप 1000 में क्या स्टैंडर्ड देंगे 10000 वाला, तो 1000 का सूट भी बिकना जरूरी है क्योंकि वो भी बहुत क्लाइंटेज है, वो भी बहुत हमारी आधी से ज्यादा आबादी दरमियाने तबके से ताल्लुक रखती है, तो हमें 1000 वालों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, हमें उनको भी देना है, उन्होंने भी करोड़पति बनाना है, सिर्फ अपनी आपको सीधी लाइन में लेके। अच्छा ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे भी आपने कुछ अर्सा काम किया, बड़ा एक बहुत सारा एक नेगेटिव इम्प्रेशन भी जाता है कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है वो अगर लोकल लेवल पे बनती हैं तो वो स्किन खराब करने के बायस बनती हैं, वो कैसे रिलायबल बनाया जा सकता है। अगर हम कोई नया ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कारोबार शुरू करते हैं तो हमें तो ट्रस्ट विन करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन
अच्छी बात ये है कि अब हमारे गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कदम उठाया है। रजिस्ट्रेशन इसीलिए जरूरी है, फिर आप उसको आईपीओ से रजिस्टर कराएं, आप उसको मुख्तलिफ जो अब आईएसओ और इस तरह की कंपनीज है अगर वो रजिस्ट्रेशन दे देती है, वो अगर आपको ट्रेडमार्क आपका कॉपीराइट्स आपको देती है, तो फिर तो आप आंख बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर देखिए मैं आपको कहती हूँ सीधा चलेंगे तो सीधे रिजल्ट है, उल्टा चलने में और हेरिया फेरिया करने में कहीं ना कहीं तो नुकसान आ ही जाते हैं, जरूर जैक लग जाते हैं, मुझे हो जाते हैं, लेकिन चांसेस अब कम है क्योंकि पकड़ गवर्नमेंट की सख्त है और हमें उनको भी साथ लेके चलना है। अच्छा ये बताइएगा कि आप बिजनेस तो कर रही हैं, अपना बिजनेस करने वाली जो खवातीन है वो घर को साथ साथ कैसे मैनेज करती हैं, क्योंकि घरदारी भी जो है वो खवातीन को करनी ही होती है। एक रिसर्च के जरिए पाकिस्तान में जो रिसर्च की गई वो देखा गया है कि जो खवातीन काम करती हैं उनके बच्चे ज्यादा ऑर्गेनाइज हैं, वो क्लासों में उनकी हाजिरी ज्यादा है और उनका कैल्शियम लेवल भी बहुत अच्छा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो खवातीन काम कर रही हैं वो ज्यादा ऑर्गेनाइज हैं उनके, क्योंकि जो माँ का जज्बा है ना वो एक ऐसा जज्बा है कि बाप नहीं उसको कम्पीट कर सकता। जो माँ है ना वो हर तरफ नजर रखती है, चाहे वो काम कर रही है, काम भी कर रही है तो अपनी औलाद के लिए कर रही है, शायद अपने लिए वो इतना ज्यादा स्टेप ना ले सके, जब वो अपनी औलाद के लिए कदम उठाती है तो वो ज्यादा बेहतरीन काम करती है। तो जब ये रिसर्च आई और ये सर्वे हुआ तो मुझे तो बहुत खुशी हुई देखकर कि अब हमारे पास एक बात है करने के लिए कि जो खवातीन घर में बैठी हुई है वो क्या कर रही है, टीवी के आगे बैठी सुस्त हो जाती है, सुस्त हो जाती है, उनके पास जज्बा नहीं है, वो टीवी के आगे बैठी चैनल्स घुमा रही है या फोनों के ऊपर ज्यादा ज्यादा गुफ्तगु कर रही है या फिर कपड़ों की दौड़ में पड़ रही है। अगर सब खवातीन हमारी काम करें हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ जाएगी? देखिए अगर हमने सिर्फ जो 50% हमारा तबका है इनमें से 25% या 20% भी उठ खड़ा हो तो हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ चला जाएगा, हमारे बच्चे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होंगे, क्योंकि जब माँ घर से बाहर निकलने लगती है तो वो मेक श्योर करती है कि बच्चा घर में अकेला क्यों रहे, चले स्कूल जाए। तो जो बच्चे जो बच्चों की माएं घर में ही मौजूद है तो बच्चे 10 बहाने बनाते, माँ कहती चल मैं भी बैठी हुई बैठ जाए मेरे पास ही। जी बहुत अच्छी बात, बिल्कुल खवातीन अगर उठ खड़ी होती हैं और अगर कुछ परसेंटेज भी जो है वो खवातीन की बिजनेस में आ जाती है तो यकीनन पाकिस्तान की जो मौशियत है वो भी बहुत बेहतर होगी और हम जो है वो एक अच्छे और एक डेवलप्ड कंट्री में जो है वो दोबारा सांस भी ले सकेंगे। इसी पैगाम के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही, दोबारा मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज। खैबर टेस्ट टिक्का, जो भी खाए बार बार आए। फ्रेश खाना हम आपको देते हैं, आप जरूर यहाँ भी उसको टेस्ट करें और अपनी फैमिली के साथ तशरीफ लाएं, अपने दोस्तों को बता दें। यहाँ के मटन टिक्का, ताज़ा तुम्बा कड़ाही, चपली कबाब, सुलेमानी तुम्बा कड़ाही, स्पेशल अफगानी पुलाव और असल पिशावरी खानों का लुत्फ उठाएं। खैबर टेस्टी टिक्का।